शिमला में कोटखाई में गुड़िया रेप और हत्या मामले में सीबीआई की अदालत ने आरोपी नीलू को दोषी करार दिया है। दोषी नीलू को सीबीआई की विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश किया गया। सुनवाई सत्र न्यायाधीश शिमला राजीव भारद्वाज की विशेष अदालत में वर्चुअल तरीके से हुई। आरोपी को कंडा जेल से वर्चुअल तरीके से पेश किया गया और अब सजा पर 11 मई को सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में बुधवार को सत्र न्यायाधीश शिमला की विशेष अदालत ने चिरानी नीलू को दोषी करार दिया है। मामले की सुनवाई 2:53 पर शुरू हुई और 8 मिनट में ही आरोपी को दोषी करार दिया गया। अब सजा देने के बारे में सुनवाई 11 मई को होगी। हालांकि नीलू आरोपों से इस दौरान भी इनकार करता रहा। 3 बजे जो है इसमें सीबीआई जो अनिल के नाम से ये केस लगता है उसमें आज फैसले के लिए रखा था। ये गुड़िया मर्डर केस है, रेप केस है, तो अभी 3 बजे इसमें फैसला आया है। तो कोर्ट ने इसमें जो है 4 धाराओं में जो है चार्ज लगा था अक्यूज के खिलाफ, तो 4 धाराओं में इन्होंने जो है चारों की चारों धाराओं में सजा की है। जो ये आईपीसी की जो धाराएं थी वो 376(2)(1) और 376(a), 302 आईपीसी और सेक्शन 4 ऑफ पॉक्सो एक्ट लगी थी। तो इन चारों धाराओं में उसको जो है दोषी ठहराया गया है। और दोषी ठहराने के बाद अब इसको जो है क्वांटम के लिए जो कितनी सजा करनी है, क्या करना है, उसके लिए ये जो है 11 मई 2021 को रखा गया है। 4 जुलाई 2017 को शिमला जिले के कोटखाई की एक छात्रा स्कूल से लौटते समय लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले में जांच की गई और 6 आरोपी पकड़े गए। इनमें राजेंद्र सिंह उर्फ राजू निवासी हलाइला, सुभाष बिष्ट निवासी गढ़वाल, सूरज सिंह लोकजन उर्फ छोटू निवासी नेपाल और दीपक निवासी पौड़ी गढ़वाल कोर्ट द्वार शामिल थे। इनमें से सूरज की कोटखाई थाने में 18 जुलाई 2017 की रात हत्या कर दी गई। 14 पॉइंट्स कोर्ट ने इसमें बनाए थे अपनी जजमेंट को देने के लिए। 14 पॉइंट्स में से जो है 2 पॉइंट जो है अक्यूज के फेवर में है और जो है 12 पॉइंट्स इसमें जो है सीबीआई के या प्रोसिक्यूशन के फेवर में बताए गए। पहला पॉइंट जो है प्रोसिक्यूशन के फेवर में है कि यहाँ उसकी प्रेजेंस वहाँ स्कूल या स्कूल के आसपास जहाँ जो है वो डेड बॉडी मिली है उसके आसपास जो है पाया गया है उसकी प्रेजेंस। दूसरी जो है उसके बाद पोस्टमार्टम लड़की का हुआ था, उसमें भी ये बताते हैं कि पोस्टमार्टम में भी जो है मुलजिम के खिलाफ है। तीसरी जो है एक सॉयल रिपोर्ट आई थी कि सॉयल में ये होता था, हम डिस्प्यूट कर रहे थे कि डेड बॉडी यहाँ से उठाई गई है या और जगह से उठा के रखी गई है, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, ये सॉयल रिपोर्ट से भी ये लगता है कि यहीं डेड बॉडी थी और यहीं पे रखी गई थी पहले से ही। तो सॉयल वाली रिपोर्ट भी मुलजिम के खिलाफ है। फिर डीएनए रिपोर्ट, जो डीएनए रिपोर्ट इन्होंने दी है कि वो भी मुलजिम के खिलाफ है। एक जो है डेंटल एक्सपर्ट की रिपोर्ट थी, बाइट मार्क्स की रिपोर्ट, जो बाइट मार्क्स ये बोलते थे सीबीआई वाले कि ये बॉडी पे है, तो वो भी ये बोलते हैं कोर्ट की नहीं, ये भी बाइट मार्क्स भी जो है मुलजिम के साबित हो रहे हैं। तो ये जो मेन पॉइंट्स है, ये जो 5-7 पॉइंट्स है जो मेन थे, ये जो है मुलजिम के खिलाफ जाते हैं, इसी बेस पे इन्होंने इसको से सजा की है। दूसरी 2 पॉइंट जो एक और थी कि क्रिमिनल हिस्ट्री है, कीपिंग इन व्यू द क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ द अक्यूज्ड, ये माना जाना चाहिए कि इसने ये किया। तो क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बोला कि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री का ऐसा कोई नहीं साबित हो रहा कि ये क्रिमिनल हिस्ट्री और इसके बेस पे इसको सजा होनी चाहिए। दूसरा एक साइकोलॉजिकली रिपोर्ट भी थी, उसने साइकोलॉजिकल रिपोर्ट पेश की थी, तो साइकोलॉजिकल रिपोर्ट भी इन्होंने ऐसे नहीं मानी कि कोई सीबीआई ने इस मामले की जांच के बाद सभी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया था, जिसका ट्रायल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया और 2 अप्रैल 2018 को नीलू को हिरासत में लिया गया। इस मामले में सीबीआई ने 55 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। सजा के पे बहस होने का मतलब ये होता है कि सजा कितनी होनी है, क्योंकि डिफेंस वाले तो हम ये बोलेंगे कि सजा कम होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, हम इस पॉइंट पे आर्गुमेंट करेंगे। वो सजा बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सजा होनी चाहिए तो क्यों होनी है। तो उसके बाद जो भी सजा होगी, दैट ऑर्डर और जजमेंट ऑफ कन्विक्शन इज अपीलेबल बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो उसकी हाई कोर्ट में अपील हो सकती है और होगी, क्योंकि उसमें जो है देखना यह है कि जो अपील होगी उसमें क्या ग्राउंड अपील में है, इसमें केस में या जजमेंट में क्या पॉइंट जो है डिफेंस के फेवर में है, वो चीज़ें उसमें वो लिखी जाती है और अपील हाई कोर्ट में उसके लिए उसके पास समाधान है, उसके पास ये जो है एक रेमेडी अवेलेबल है, अक्यूज के पास जो हाई कोर्ट जा सकता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें आप तो बोलते हो कि 2 पॉइंट है, मैं कहता हूँ इसमें 20 पॉइंट ऐसे हैं जो अक्यूज के फेवर में है। शुरू से लेके मैं बोलना चाहूँगा आपको एक पॉइंट, जो ये इंसिडेंट्स बताते हैं, ये बताते हैं 4/7/2017 का। 4/7/2017 के बाद
13/4/2018 जब इसको अरेस्ट किया, तब तक कोई विटनेस वहाँ का ये नहीं बोलता कि ये आदमी यहाँ पाया गया है। सारी स्टेटमेंट्स जो है उसके बाद ये आई है कि हमने इसको देखा। तो ये सारा एविडेंस जो सर्कमस्टांसिस एविडेंस और उसको चैन जो है बना रहे हैं वो बिल्कुल वो क्रिटिक मतलब क्रिएट की गई है ऐसा ऐसा लगता है। दूसरी बात और रिपोर्ट्स जो है सारी जो भी ये बोलते हैं कि डेंटल है या DNA है, वो मैंने पहले भी बोला कि DNA रिपोर्ट कैसी है, कैसे सैंपल है, सारी बातें जो है डिटेल में इसमें बहुत ग्राउंड जिसमें ये है जो अपीलेबल है, जो अपील में लिखे जाएंगे। सर न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले में 14 में से 12 बिंदु नीलू के खिलाफ गए थे। आरोपी की हत्या वाली जगह पर मौजूदगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, DNA रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ रही। मिट्टी के सैंपल, शरीर पर निशान भी नीलू के दोषी होने को साबित करते हैं। नीलू के पक्ष में महज ये रहा कि पुलिस या CBI उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि साबित नहीं कर सकी। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं,
लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीय लोक नीति.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।